गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, रविंद्र निकेतन के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। आज मैं आपको पार्ट 6 रामलाल का परिवार उसको रीड करवा रही हूँ। ये क्या है? एक एकांकी है। एकांकी में क्या किया जाता है? कुछ भी चीज़ें जैसे अपन संवाद कैसे करते हैं उस तरीके से बोला जाता है कि दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं या पूरा परिवार के लोग एक दूसरे से बात करते हैं। अगर अपन इसको स्कूल में पाठ पढ़ाते हैं तो कोई व्यक्ति रामलाल बन जाता, कोई बिरजू बन जाता, कोई चंदू बन जाता है। इस तरीके से वो एक प्ले करते हैं, इसलिए इसको अपन एक अंक मतलब एकांकी बोलते हैं। ठीक है, इसके ये संकलित है। रामलाल बेटा बिरजू चंदू कहाँ है? रामलाल जो था परिवार का मुखिया था, उसने क्या पूछा कि बिरजू बेटा, उसके जो बेटे का नाम था बिरजू, उसने फिर दूसरे बेटे का नाम पूछा कि चंदू कहाँ है। फिर बिरजू ने क्या बोला? दादा दादी को भोजन कराकर वो अभी अभी दुकान पर गया है। मतलब उसने किसको भोजन कराया? दादा दादी दोनों को भोजन कराया है और दुकान पे गया है। रामलाल अच्छा किया, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। चंदू में अब वो समझ आ गई है। रामलाल क्या बोलता है? अच्छा किया, हमें किसका ध्यान रखना चाहिए? बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। चंदू में अब ज़्यादा समझ आ गई, मतलब पहले से ज़्यादा समझ अब किस में आ गई? चंदू में आ गई है। हमें बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले वो ना समझता लेकिन अब समझदार हो गया है। बिरजू, हाँ पिताजी अब तो वह रोजाना बड़ों के चरण छूता है, समय पर दुकान जाता है और माँ जो कह देती है वो काम तुरंत करता है। मतलब हाँ पिताजी अब तो वो क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया है, बड़ों के चरण छूता है, समय पर दुकान जाता है, माँ जो कह देती वो काम भी कर देता है। रामलाल मैं भी यही देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। परिवार में सब अपना अपना काम करे, एक दूसरे का आदर करे, उससे अधिक हमें क्या चाहिए। रामलाल बोलता है कि मतलब चंदू पहले क्या था, पहले और अब में चंदू में क्या आ गया था, फ़र्क आ गया था। पहले वो इतना ज़्यादा परिवार को मायने नहीं देता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे सब उसकी तारीफ करने लग गए कि वो समय पे दुकान जाता है और माँ जो भी, अपन क्या अपनी मम्मी जो काम की थी तो अपन तुरंत करते क्या? पहले टालम टोली करते, जब मम्मी बहुत पीछे पड़ती है, पैसे का लालच देती है, तब जाके अपन कोई सा काम करते, ठीक है ना? ओबीडियंट अपन है ही नहीं, आज्ञाकारी अपन है ही नहीं। पहले अपने को कुछ मिलेगा तो अपन जाके कुछ काम करेंगे, लेकिन वो जो चंदू था वो क्या कर देता था? अपनी माँ का बोला हुआ काम तुरंत कर देता था। फिर रामलाल ने क्या बोला कि हाँ देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा है, परिवार में सब अपना अपना काम करे, एक दूसरे का आदर करे। मतलब बोल रहा कि ठीक है, मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि वो अपना काम कर रहा है और एक दूसरे का आदर भी करता है, उससे अधिक हमें और क्या चाहिए? मतलब उससे ज़्यादा हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, अपना काम कर रहा है और क्या चाहिए। पिताजी पास वाली बुआ जी 2 दिन से बीमार है, यदि खेत चलने में देरी हो तो मैं उधर हो आता हूँ। फिर बिरजू ने क्या बोला कि जो अपने पास एक बुआ जी रहती है वो 2 दिन से बीमार है, खेत चलने में देरी हो, अगर मतलब अपन खेत जा रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा समय आपके पास हो तो मैं किससे मिल के आ जाता हूँ? बुआ जी से। ठीक है, तो इसमें जो रामलाल है वो चंदू के बारे में पूछता है। बिरजू बताता है कि भोजन करके गया दुकान, भोजन करा के दुकान गया है। रामलाल बोलता बहुत अच्छी बात है, हमें किसका ध्यान रखना चाहिए? अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर बिरजू उसकी तारीफ करता चंदू की कि बहुत अच्छा हो गया चंदू पहले से, अब तो वो माँ का जो काम रहता है वो तुरंत कर देता है। रामलाल बोलता हाँ मैं भी बहुत समय से देख रहा हूँ कि चंदू में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। फिर बिरजू क्या बोलता है? अगर आपको खेत चलने में थोड़ा समय हो तो जो एक बुआ जी है अपने पास वाली बीमार है तो मैं उन्हें देख आता हूँ। ठीक है, इस पेज में इतना है बताया गया। फिर अब देखो आगे क्या होता है। रामलाल हाँ हाँ मैं अभी उधर से आया हूँ, 15 दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया था, वह अभी ससुराल चली गई है, कोई संभालने वाला नहीं है, बुआ से देख पूछ लेना, किसी बात के लिए संकोच न करें। फिर रामलाल ने क्या बोला कि मैं अभी उधर से आया हूँ, मतलब देख के आया हूँ बुआ को, तो उनने अपनी बेटी की एक शादी कर दी, एक ही बेटी थी उसकी शादी कर दी, तो विदा हो गई।
तो 15 दिन पहले उनने शादी करी, तो अब उनके घर में उनको देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है। तो बुआ से पूछ लेता लेना कि संकोच ना करे, कुछ भी बात हो तो बोल दे, क्योंकि उनके घर में कोई उनको संभालने वाला था ही नहीं, बुआ के घर में। इसलिए बिरजू, ठीक है पिताजी, आप भोजन कर विश्राम करें, तब तक मैं बुआ के लिए दवा का प्रबंध कराता हूँ। बिरजू ने फिर क्या बोला कि आप खाना खा लो और आराम करो, खेत से आ गए तो बोलो मैं ना किसको मिल के आता हूँ, अपनी बुआ जी को मिल के आता हूँ और दवा देख के आता हूँ कि दवा ववा ली कि नहीं ली उन्होंने। नहीं ली होगी तो मैं उनको ला के दे दूँगा, प्रबंध करना, मतलब किसी ना किसी तरीके से अरेंज करके आता हूँ उनके लिए दवा। फिर रामलाल, चंदू कैसे आ गए तुम, क्या इस दुकान पर काम नहीं है? फिर एकदम कौन आ गया, चंदू आ गया जिसका भी बोल रहे थे कि वो खाना खिला के दुकान गया। तो फिर बोला अरे बाप रे तुम कैसे आ गए, दुकान पे कुछ काम नहीं था क्या जब तुम वापस आ गए घर पे? चंदू काम तो बहुत है पिताजी, मेले के दिन भी हैं, आज बैंक में चक्की के कर्ज की किस्त जमा करनी थी उसे जमा कराया हूँ, जो लिया है समय पे देना भी तो है। चंदू ने क्या बोला, नहीं काम तो बहुत है मेले में, मतलब मैं गया था तो बैंक में मुझे किसकी किस्त देनी थी, जो चक्की उनने ली लगा रखी होगी उसका जो किस्त आती EMI वो मुझे जमा करनी थी, तो उसे मैंने जमा कर दिया। फिर जो लिया है, मतलब अपन अगर कर्जा लिया है तो समय पे उसको देना भी पड़ेगा, ठीक है ना? उसने बैंक से क्या लिया था, कर्जा लिया था, ठीक है, वो कर्जे को उसने समय पर जमा करना है, इसलिए उसने वो कर्जा समय पर जमा करा। बोल रहा है ना, जो लिया अपन को देना पड़ेगा। रामलाल, बात बहुत समझ की कही, हाँ ये बताओ लक्ष्मी के यहाँ से कोई पत्र आया कि नहीं? फिर रामलाल ने बोला, चंदू तुमने बहुत ठीक बात करी, अब कोई लक्ष्मी है, अब देखते लक्ष्मी कौन है, उसका कोई पत्र आया कि नहीं। लेटर के बारे में पूछ रहा है अपने बेटे से कि लक्ष्मी के यहाँ से कोई पत्र आया क्या, लेटर आया क्या? चंदू, पत्र तो नहीं आया, पर पड़ोस के बिरम काका वहाँ से आए हैं, उन्होंने दादाजी को समाचार दिए, वह कह रहे थे कि वो होली पे आएगी, मतलब वो बोल रहा था लेटर वेटर तो कुछ नहीं आया, लेकिन पड़ोस में पहले गांव में ऐसा नहीं था कि मतलब सब है ना एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे, अपने शहर के और गांव के लोगों में यही फ़र्क है, गांव बहुत छोटा सा रहता है, उसमें जनसंख्या भी कम रहती है, तो सब एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते। तो क्या बोल रहा है वो कि बीरम काका है वो मिलके आए हैं उधर से ही जहाँ पे वो रहती है लक्ष्मी, तो उन्होंने दादाजी को जैसे कोई अपने पड़ोस का मिलने आया था अपने गांव का, तो अपन समाचार दे दो कि आप बोल देना मेरे घर पे, पहले ना फ़ोन था ना कुछ था ना लेटर वेटर भी बहुत दिन में पहुँचता था, तो इंसान फ़ोन पे अपन जैसे जैसे बात कर लेते, तो पहले कुछ ऐसा था ही नहीं कि इंसान टेलीफोन पर रोज बात कर ले। तो बोल रहे कि खबर पहुँचाई है कि वो कब आ जाएगी, होली पर आएगी, त्यौहार है ना होली, उस पर आएगी, ठीक है। फिर रामलाल क्या बोलता है, अच्छा है, उससे मिले कई दिन हो गए, आएगी तो अपने दादा दादी से मिल लेगी, कई बार याद करते हैं। तो फिर क्या बोलता रामलाल कि ठीक है अच्छा वह आ जाए वो मिल ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोह है उसको अपने दादा दादी से, दादा दादी को भी उससे बहुत ज़्यादा मोह है, कई बार उसको याद करते हैं, ठीक है। लक्ष्मी उसकी बुआ होगी, तभी बोल रहे लक्ष्मी रामलाल की बहन है शायद, कि दादा दादी उसको याद करते हैं, तो अच्छा वो आ जाए तो क्या हो जाए, मिलना हो जाएगा उनका, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल करेंगे, धीरे धीरे चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा जल्दी अपने को पढ़ाना नहीं, क्योंकि धीरे धीरे अपन एकांकी है, अब जैसे आप स्कूल में पढ़ते तो कोई रामलाल बन जाता, कोई बिरजू बन जाता, कोई चंदू बन जाता, तो रामलाल के इसमें क्या बताया, सिर्फ दो बेटे हैं, वो अपनी बुआ लक्ष्मी के बारे में पूछ रहे हैं, चंदू थोड़ा सा बदल गया है, पहले वो इतना अच्छा नहीं था लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा उसका व्यवहार हो गया है, बैंक में वो किस्त चुका के आया, लक्ष्मी का समाचार पूछा तो बताया बीरम काका ने कि वो होली पे मिलने आएगी। अब अपन बाद में देखेंगे कि आगे क्या हुआ, आप इसे घर पे रीड करिए।